मंत्री दिग्विजय सिंह भोपाल से चुनाव लड़ रहे हैं, जिसके चलते उन्होंने आज पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए सबसे पहले तो कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का आभार जताया। वहीं उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में 3 सीटें हैं जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कहलाती हैं, जिनमें से एक भोपाल की सीट भी है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यदि मैं भोपाल से जीत जाता हूं तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जीत का आंकड़ा 20 के पार हो जाएगा। वहीं अपने परिवार को हिंदू सभा का सदस्य कहे जाने पर उन्होंने बताया कि उनके पिता निर्दलीय उम्मीदवार की तरह चुनाव लड़े थे, जिसके बाद वह कांग्रेस पार्टी में एक सदस्य की भूमिका में रहे। साथ ही उन्होंने कहा कि उनके परिवार में कोई भी जनसंख्या हिंदू संगठन का हिस्सा नहीं रही। वहीं जब उनसे पूछा गया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया किस सीट से चुनाव लड़ेंगे तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि ये मुख्यमंत्री कमलनाथ ही जानकारी दे पाएंगे। यह पहली मर्तबा था जब उन्होंने किसी पत्रकारों के सवालों के जवाब में अधिकतर यही कहा कि कल बताऊंगा, इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। इस पर उन्होंने कहा कि जो विकास का मॉडल उन्होंने भोपाल के लिए सोच कर रखा है उसे जल्द ही सार्वजनिक करेंगे। वहीं जब दिग्विजय सिंह से पूछा गया कि उन्होंने कार्यकर्ताओं को फ्लेक्स लगाने से क्यों मना कर दिया तो इस पर उन्होंने हंसकर कहा कि मेरा चेहरा ही मेरा कॉपीराइट है। कठिन सीट से क्या वैसा ही ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को भी कठिन सीट पर भेजा जाना चाहिए, आपकी क्या राय है? ये आप कमलनाथ जी से बात करिए और राहुल गांधी जी से। प्रधानमंत्री मोदी का आज संदेश आया, एक वीडियो आया है जिसमें उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष में हमने जो स्पेस स्ट्राइक जो करी है, चौथे विश्व की चौथी शक्ति हो गए हैं। ये सब बातें कल करें सर। आपने कार्यकर्ताओं को अभी हिदायत दी है मेरे पोस्टर में आप हाँ जी हाँ मुझे ये मेरे चेहरे पर मेरा कॉपीराइट है। सर आपने कहा अभी नीचे कार्यकर्ताओं से कि अगर आप भोपाल जीत जाते हैं तो 20 सीटें एमपी की अश्योर, 20 से ज्यादा सीट, 20 से ज्यादा, इसके पीछे क्या सर मोदी टफेस्ट में भोपाल को मानते हैं? ऐसा 3 सीटें ऐसी हैं जो 1985 के बाद नहीं जीते, विदिशा, इंदौर, भोपाल, ठीक है ना, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ। सर भोपाल के लिए क्या मुद्दे होंगे चुनाव के? मैं आपको कल बताऊंगा। जो मेरी कल्पना है भोपाल संसदीय क्षेत्र के विकास की, उसका मैं डॉक्यूमेंट तैयार कर रहा हूँ, जिसको मैं चुनाव में फॉर्म भरने के पहले रिलीज करूँगा। मायावती जी ने जो कुछ कहा है तो आप उनसे पूछिए ना। सर ये सुबह भी आप भाई, मैं जुगलखोरों से हमेशा नाराज रहता हूँ। आपके पास सबका रिकॉर्ड है सर जी, आपके पास सबका रिकॉर्ड है, किसने कैसा भी परफॉर्मेंस दिया? नहीं आपका नहीं है, मेरे पास मैं देख नहीं रहा हूँ कौन है। कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी आपके पास थी, अब लोकसभा में वही जिम्मेदारी मेरे पास अब है। भोपाल से सबको साथ लेके चलने की जवाबदारी मेरी है। सर बीजेपी सवाल पूछेगी, हिंदूवादी है दिग्विजय सिंह, ये बताने की जरूरत क्यों पड़ रही है? कौन बता रहा है? आपका जो परिवार है सर वो हिंदू महासमाज से जुड़ा रहा है? कभी नहीं रहा। आपको गलत, ये बात यही है, कभी कहते थे मेरे पिताजी हिंदू महासभा से लड़े, कभी कहते हैं जनसंघ के एमएलए रहे, वो निर्दलीय उम्मीदवार 1952 में लड़े थे और 1947 से खादी पहनते थे और कांग्रेस के सदस्य थे, महात्मा गांधी के अनुयायी थे।